मेरे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। फेसबुक पर देखते हैं तो उसको लाइक करना ना भूलें। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लालू मशेक पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज थाना महानगर पालिका एक जो है कानून निकाला है कि जैसे कि जो लोगों का टैक्स जो है घर का या दुकान का जो है इंडिविजुअल नहीं आता है तो वो टैक्स जो है मतलब एक इंडिविजुअल आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप जो है अपने एग्रीमेंट जो है आप थाना महानगर पालिका में जो है जमा करिए। आपके नाम का लाइट बिल, आपका एग्रीमेंट, और जो है आपके नाम पे इंडिविजुअल उसका टैक्स आएगा। आपका जो घर है या आपकी जो दुकान है आपके नाम पे आएगा। जैसे कि बहुत सारी मुमरा कोसा में जो सोसाइटी है, जैसे कि बिल्डर्स के नाम पे जो है पूरा एक में ही टैक्स आता है, एक ही में जो है हर चीज़ होता है, तो वो चीज़ अब आगे से नहीं होएगी। तो इसको जो है देर ना करते हुए हर आदमी जो है अपनी चीज़ का जो है अपना मालिक बने और जाके अपना एग्रीमेंट का जेरोक्स जमा करिए और अपना जो भी है डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा करके और अपने नाम पे इंडिविजुअल वो टैक्स निकालिए, ताकि इसके वजह से जो है जो बिल्डर सोसाइटी अपनी मनमानी चलाते हैं वो लोगों का मतलब एक ना रह जाए कि हाँ मतलब ये अपनी मनमानी करे उसके अंदर। मैंने फिर असिस्टेंट कमिश्नर जो महेश आयर साहब हैं उनसे हमने बात की है फोन के ऊपर, कुछ उन्होंने हमको जानकारी दी है, हम आपको सुनाते हैं, वो आप सुनिए। हेलो, हाँ सर नमस्कार। हाँ पब्लिक चैनल से लाल मोहम्मद शेख बात कर रहा हूँ, इधर फोन और बोलते हो सर। हाँ बोले ना। सर वही कुछ आप बताने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। नहीं एक्चुअली क्या है, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए टाइम नहीं, इसलिए मैंने ग्रुप पे डाल दिया है और अमित को बोला कि ये प्रेस वाले भाइयों को देना और पीआरओ को दे दिया है। हाँ, क्योंकि क्या ये मुझे काम चालू करने का तुरंत आज से, इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ। हाँ ठीक है सर। हाँ तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने डाले यही है ना स्टेटमेंट आपका। हाँ यही कि पब्लिक के लिए जो बिल्डिंग है। हाँ, यानी बिल्डिंग के नाम से टैक्स आता है, समझो आप समझ लेना सिंपल लैंग्वेज में, समझो 20 फ्लैट है तो सोसाइटी के नाम से टैक्स आता है, तो इंडिविजुअल मैं करने वाला हूँ हर एक फ्लैट ओनर के नाम से जो रहता है उसके नाम से। तो इसलिए मुझे एग्रीमेंट का कॉपी, एफिडेविट जो भी रहेगा तो होल्डर करके उनका नाम डाल के मैं बिल निकालने वाला हूँ। अच्छा सेपरेट। हाँ ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर। हाँ ये मुमरा के पब्लिक के लिए मुझे करना है। इससे कमिश्नर साहब से बात करके मैंने और ड्यूटी साहब से बात करके डिसीजन लिया है और ये डिक्लेयर कर दिया कि पब्लिक मेरे पास 30 दिन के अंदर टाइम पेपर सबमिट करो, एप्लीकेशन करो, मैं वो करके दे रहा हूँ। अगर 30 दिन में नहीं होता है तो इसको एक्सटेंशन किया जाएगा और 30 दिन बढ़ा दूंगा मैं। ओके बात में बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा। ठीक है सर, थैंक यू। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।